हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च अगेन। आज हम अपना विजन का टॉपिक करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स सभी ने सुना होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिक्स की 14th समिट हुई है चाइना में, चाइना के बीजिंग में। इसीलिए इसको जो इसमें डिक्लेरेशन आया है, जो भी इसमें रिजल्ट्स निकल के आए हैं, तो उसको बीजिंग डिक्लेरेशन बोला जा रहा है। तो इसमें क्या डिस्कशन हुआ है, क्या इसके हाइलाइट्स हैं, उस पर हम कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट है इंडिया प्रपोज्ड इनिशिएटिव्स। इंडिया ने कुछ इसमें अपने इनिशिएटिव्स प्रपोज किए हैं। एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए ब्रिक्स के डॉक्यूमेंट्स का, तो जो ब्रिक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए, जिससे कि सब कंट्रीज़ की उन तक ईजिली पहुँच हो सके, वो ईजिली एक्सेसिबल हों। सेकेंड, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो रेलवे रिसर्च नेटवर्क है ब्रिक्स का, उसमें भी कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए। एंड थर्ड, स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन बिटवीन MSME। इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत सारे MSMEs हैं और यहाँ पर वो एक बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में भी वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट दिस ईयर टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन स्टार्टअप्स इन ब्रिक्स कंट्रीज। यानी कि ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट इंडिया में इस साल होगा 2022 में। तो उसमें क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, क्या चर्चाएं होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो इसमें क्या है, अब उसके बाद है डिनाइल ऑफ सेफ हैवन टू करप्शन। यानी कि करप्शन को दूर करने के लिए काम किया जाना चाहिए, और जो सेफ हैवन है करप्शन के, जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है और करप्शन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उसको खत्म किया जाए और करप्शन को न्यूट्रलाइज किया जाए। सो इंडिया ब्रिक्स वेलकम द ब्रिक्स इनिशिएटिव ऑन डिनाइल ऑफ सेफ हैवन टू करप्शन विच फर्दर स्ट्रेंथन एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू। अब ये कैसे किया जाएगा, एजुकेशन के थ्रू। लोगों को इस तरीके की एजुकेशन दी जाए कि वो करप्शन से नफरत करने लगे, हेट करने लगे करप्शन को। सेकेंड है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और वही अभी हमने जो बात किया एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ऐसा बताया जाए, चाहे वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हो, चाइना का, रशिया का, ब्राज़ील का, किसी का भी हो, तो उसमें और ट्रेनिंग उनको दी जाए, जिससे कि वो करप्शन कम से कम हो। एंटी करप्शन से संबंधित जो भी नॉलेज है उसको शेयर किया जाए कि किस तरीके से करप्शन को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक दूसरे के बीच में जो भी कॉपरेशन हो सकता है, सहयोग हो सकता है, उस सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर एक ब्लॉग दे रखा है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें बता रखा है कि जो भी टोटल लैंड एरिया है वर्ल्ड का, उसका 29.3% ब्रिक्स कंट्रीज के पास है, और 16% शेयर है वर्ल्ड वाइड इसका। वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड जितना भी होता है उसका 16% ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, और दुनिया की जो भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 24% ब्रिक्स के द्वारा किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, 41% पॉपुलेशन बिलोंग करती है इन ब्रिक्स कंट्रीज से। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स के बारे में दे रखा है, तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसी का ये एक निमोनिक भी बना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो दीज आर कंट्रीज विच आर इन दिस ग्रुप। द ब्रिक्स ग्रुपिंग एम्स टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। किसको बढ़ावा देने के लिए, पीस को यानी कि शांति को, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को, और डेवलपमेंट को, ये इसका एम है। वो कैसे करेंगे कि ये एक दूसरे का कॉपरेशन करेंगे, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहयोग के माध्यम से ये करेंगे। इसके बाद इट ऑल्सो एम्स एट मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एस्टैब्लिशिंग अ मोर इक्विटेबल एंड फेयरर वर्ल्ड। यानी कि किसको बढ़ावा देंगे, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देंगे, मानववाद को बढ़ावा देंगे। ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने का मतलब है कि करप्शन को कम करना, लोगों के जो अपने राइट्स हैं वो उनको मिलें, और जिस तरीके से एक बेहतर लाइफ हो सकती है वो लोगों की हो सके, एंड मोर इक्विटेबल एंड फेयरर वर्ल्ड। कैसा, सबके बीच में समानता हो, जो वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। इंडिया में आपको पता होगा कि हमारे जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उनमें भी ये बात की गई है कि जो इकोनॉमिक हमारी वेल्थ है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इकोनॉमिक गैप लोगों के बीच में जो भी है वो कम से कम रहे। आगे हम देखते हैं, द नोशन बिहाइंड द कॉइनेज ऑफ ब्रिक्स वॉज द नेशंस इकोनॉमीज वुड कम टू कलेक्टिवली डोमिनेट ग्लोबल ग्रोथ बाई 2050। यानी कि दुनिया में जो भी ग्रोथ हो रही है, चाइना अलग उभर के आ रहा है, अमेरिका में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अमेरिका के पास कैपेसिटी है इस टाइम पे भी, रशिया को आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से वो दुनिया पर अपनी धाक जमाना चाहता है। तो सभी कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, तो इनका एक ये टारगेट है कि 2050 तक जो भी ग्लोबल इकोनॉमीज निकल के आएंगी तो ब्रिक्स उनको डोमिनेट करें, यानी कि ब्रिक्स के पास एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट रिसेंटली ईरान एंड अर्जेंटीना हैव अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स मैकेनिज्म। ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अर्जेंटीना और ईरान जो हैं अपना इंटरेस्ट बताया है कि वो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो 2010 में साउथ अफ्रीका के बाद ये दूसरा ऐसा मामला होगा जिसमें ब्रिक में और कंट्रीज जुड़ेंगे, क्योंकि पहले ये ब्रिक था, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है, और उसके बाद जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं जुड़ने के लिए वो ईरान और अर्जेंटीना कर रहे हैं, तो वो भी जुड़ना चाहते हैं। आफ्टर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन ब्रिक्स। अब इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि इंडिया अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। तो पहला है इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटरेस्ट,
इंडिया के कुछ इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो कैसे, क्योंकि इंडिया के लिए जो ये कंट्रीज हैं एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करते हैं। अब ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि इंडिया अपने प्रोडक्शन को किस लेवल तक लेके जाता है। अगर इंडिया अपने प्रोडक्शन को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा रहा है तो ये बहुत एक पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए और एक बहुत अच्छे मार्केट के रूप में उभर के आएंगे, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया ले जाएगा, वहाँ पर उनको दिखाएगा और पैसा कमाएगा। तो इंडिया के पास एक अच्छा चांस है, इंक्लूडिंग चाइना विच रिमेंस एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल पार्टनर डिस्पाइट सिक्योरिटी टेंशंस। यानी कि हमारे पास चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे सिक्योरिटी टेंशंस होने के बावजूद भी जो ट्रेड में इंडिया और चाइना के बीच में होता है वो बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स द ब्रिक्स गोल ऑफ शील्डिंग मेंबर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक फॉलोआउट ऑफ रशिया वॉर इन यूक्रेन। यानी कि रशिया इस तरीके से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो ये समस्याएं होने के बाद भी इन ग्रुप्स के बीच में क्या हो सकता है कि इंडिया एक पॉजिटिव छवि लेके बाहर आ सकता है और इकोनॉमीज जो नीचे की तरफ जा सकते हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। आगे है मैनेजिंग रिलेशंस विद चाइना। सो ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स है और हमारा SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अफोर्ड बोथ इंडिया एंड चाइना द अपॉर्चुनिटी टू डिकपल देयर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट फ्रॉम द अदर डायमेंशंस ऑफ द रिलेशनशिप। केवल एक सिक्योरिटी पर्पज को ही नहीं लेना चाहिए, इकोनॉमिक पर्पज है, पॉलिटिकल पर्पज है, और भी जितने पर्पजेज हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, वहाँ पर इन दोनों कंट्रीज को सोचने का यहाँ पे मौका मिलता है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा दोनों के बीच में चर्चा होती है और अपने जो टेंशन है उनको दूर करके, सिक्योरिटी चैलेंजेस को दूर करके अदर डायमेंशंस में अपने संबंधों को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए और सोचने का मौका यहाँ पे मिलता है। आफ्टर दैट मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी ने ये बता रखा है कि जैसे अब वेस्टर्न ग्रुपिंग्स हैं, वेस्टर्न ग्रुपिंग्स में जैसे इंडिया के यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं, वहाँ पे USA के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो इसके अलावा इंडिया को क्या करना चाहिए, केवल वेस्ट की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, ईस्ट की तरफ भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये ब्रिक्स एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म इंडिया को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर इंडिया अपनी इकोनॉमी, अपनी सब कंडीशंस को वहाँ पे उनका लाभ उठा सकता है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे आगे क्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टेटस। यानी कि इंडिया क्या है, एक इंटरनेशनल छवि अपनी बनाना चाहता है, आपको पता है इंडिया एक विश्वगुरु की छवि बनाना चाहता है। तो ब्रिक्स मेंबरशिप एलिवेट्स इंडियाज ग्लोबल प्रोफाइल एंड प्रेजेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ ट्रूली इंटरनेशनल प्लेयर। ब्रिक्स जैसे जहाँ पर आपने अभी देखा था लगभग 40% पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर इंडिया अगर हिस्सा बन रहा है, उसका इतनी बड़ी इकोनॉमी GDP है, तो एक कहीं ना कहीं इंडिया की ये छवि को ऊपर उभार के लाता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इशूज़ हैं वो इशूज़ हम देख लेते हैं। पहला है डोमिनेंट रोल ऑफ चाइना। चाइना ब्रिक्स के ग्रुप में देखा जाए तो चाइना का जो रोल है वो काफ़ी डोमिनेंट है। सो प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड द ग्रेटर रोल इट सीक्स टू एसर्ट विद इन द ग्रुप पोजेज मेजर चैलेंज टू इंडिया। और ये इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे चैलेंज प्रोवाइड करवा रहा है। पॉलिटिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर भी, जैसे UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहाँ के परमानेंट मेंबरशिप में भी चाइना इंडिया को परेशान करता है, मतलब इंडिया के मेंबरशिप को वहाँ इसको निगेट करता है कि इसको नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से चाइना इस ग्रुप में भी डोमिनेंट पोजिशन में है। इट कुड यूज़ द ग्रुप एज ए प्लेटफॉर्म फॉर US प्रोपेगेंडा। यानी कि चाइना और USA के बीच में टेंशंस रहती हैं और चाइना इसका लाभ उठाना चाहता है, किसी भी स्थिति को नहीं छोड़ना चाहता है जहां पर वो US के अगेंस्ट काम ना करे, क्योंकि US एक इस टाइम पे पावर बहुत बड़ी है और चाइना एक पावर के रूप में उभर रही है, तो वो बिल्कुल चाहेगी तो उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, और USA इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेगा। और इंडिया जैसा देश जिसका US के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और अगर वो इस ग्रुपिंग में है और अगर USA इसको नेगेटिवली लेता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये नेगेटिवली भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है लैक इन अपहोल्डिंग कमिटमेंट्स टू सॉवरेन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। चाइना का भी हमने देखा था, पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से साउथ चाइना सी पर चाइना अपना डोमिनेंस स्थापित कर रहा है। इसके अलावा मैरीटाइम सिल्क रूट है, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि वहाँ यूरोप तक, और उसका जो OBOR है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो उसके द्वारा भी वो पूरी दुनिया पर क्या है कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं लोग, जो कंट्रीज हैं, उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कम कर रहा है। तो ये ब्रिक्स के लिए अपने आप में एक चैलेंज है, उसका एक मेंबर अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स की जो दुनिया में साख है वो कम होती दिख रही है और इंडिया के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है। इसके बाद है बायलेटरल डिफरेंसेस, यानी कि दोनों के बीच में क्या है कि कुछ बायलेटरल डिफरेंसेस भी हैं, तो वो देखते हैं हम। ब्रिक्स कंटिन्यूज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लैक ऑफ ए बाइंडिंग आइडियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। यानी कि जो एक बाइंडिंग आइडियोलॉजी होना चाहिए, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संगठन हो, वो इस तरीके से काम करता है कि उसकी आइडियोलॉजी एक होती है और उसी आइडियोलॉजी को लेके, उसी एक टारगेट को लेके सारे मेंबर्स काम करते हैं, तब वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन ब्रिक्स का देखा जाए तो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, साउथ अफ्रीका वगैरह अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉमन आइडियोलॉजी का
अभाव होने की वजह से ये जो ग्रुपिंग है इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो हम डाइवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या वर्ड है इसका मतलब। इसका मतलब है कि जो ये ब्रिक्स ग्रुपिंग है इसको डिफरेंट डायमेंशंस में काम करने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, टेरिटोरियल हो सकता है, वो आपका स्ट्रेटेजिक होता है, तो सब में इनको कॉपरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ये डाइवर्सिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं और कुछ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मुद्दों पर ही सिमट के रह जाते हैं। सो ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस कुछ हैं। इनकी जो चाइना का ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड है ब्रिक्स के साथ, उसमें से ज़्यादातर तो चाइना के साथ है, बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं है। तो इंडिया को इसको भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि अदर कंट्रीज़ के भी साथ इंडिया का ट्रेड बढ़े। ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका है, रसिया है, तो यहाँ से क्या काफ़ी दूरी पड़ जाती है। इस डिस्टेंस की वजह से अगर आप लेके जा रहे हो तो लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ये कारण बता रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ के साथ क्यों है कम। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एनवायरमेंट्स। इस तरीके से सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को देख लिया जाए तो उसमें बोलने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका आ रहा है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। इसके अलावा और भी जो कारण है, उनके अपने मार्केट को वो बचाना चाहते हैं कि उनका मार्केट वहाँ के प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचें और किसी कंट्री के ना बिके वहाँ पे जाके। तो इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंडिया जैसे देश को। तो एक दूसरा कारण ये बताया जा रहा है। तीसरा बताया जा रहा है चाइनाज डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इन द ब्रिक्स इज अनदर इशू ऑफ इंडिया। यानी कि चाइना का डोमिनेंस इन कंट्रीज पर भी है, इंडिया से तो उसका है, इंडिया में भी क्या, इंडिया जितना करता है उससे इंडिया कभी सरप्लस में नहीं रहा चाइना के साथ, हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्ट होता है, यानी कि पैसा इंडिया का ज़्यादा जाता है, तो हमेशा डेफिसिट में रहा है। और वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी चाइना इस तरीके का ट्रेड करता है तो चाइना का डोमिनेंस वहाँ पर दिख रहा है, इंडिया का नहीं हो पाता है। और उसके बाद दे रखा है स्लो प्रोग्रेस ऑन मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो उसमें होने चाहिए लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है। UNSC सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का मामला है, उसमें सुधार किए जाएँ और जिससे इंडिया जैसे देश को और जो साउथ अफ्रीका जैसे जो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर सकता है वहाँ पे, तो उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि चाइना किस तरीके से, उसको तो परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है तो नहीं मिल पा रही है। तो चाइना भी उसका विरोध करता है कि इंडिया उसका उसमें सुधार ना हो, इंडिया जैसे देश को उसमें परमानेंट मेंबरशिप ना मिले, तो ये भी एक चैलेंज सामने आता है। एंड आफ्टर दैट अदर्स दे रखे हैं कुछ, जिसमें पहला है ब्रिक्स इकोनॉमी शेयर सम डोमेस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर ग्रुप एक्टिविज्म। जैसे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में क्या, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, करप्शन है, इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स हैं। तो इन चैलेंजेस को भी, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनको भी एड्रेस किए जाने की जरूरत है अलग अलग। उसके बाद है विद पैरेलल ग्रुपिंग्स लाइक जैसे इफ्सा है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, है ना, ये भी अपना पहले से ही काम कर रहे हैं तो उसमें भी हैं। तो इनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, भाई जहाँ पर एक ग्रुप की जरूरत है, एक ग्रुप अच्छे से काम कर सकता है तो दूसरे ग्रुप को बनाने की जरूरत क्या है, अब वो तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है, है ना। तो इस तरीके से एक ये भी है रोड अहेड है, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका। फर्स्ट है ओवरकम डाइवर्सिटीज एंड सीक कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें ये बता रखा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह ही, यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनकी तरह ही हमें लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ब्रिक्स कंट्रीज़ को लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़नी चाहिए। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इनको अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना चाहिए एक दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करना चाहिए, एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। आगे इसके बाद बता रखा है एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिक्स इंस्टीट्यूशंस बाय अ कंटेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म। यानी कि जो भी ये ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इसका NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इस तरीके के जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए किसके थ्रू, वो कंटेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू। अब ये कंटेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई नई संस्थाएं बन के आ रही हैं, जैसे ब्रिक्स है, SCO है, इस तरीके के ये जो नए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन के आ रहे हैं, तो पुराने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और फंडामेंटल्स हैं, उनका ये एक जो भी उनमें कमियां हों उनका विरोध करें और जिससे कि उनमें और सुधार हो सके और ये जो ग्रुप्स हैं वो भी ऊपर उभर के आ सकें। तो ये होता है कंटेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म। जब ये कंटेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जो ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एफिशिएंसी एनहांस होगी। तो यही सब इसमें अच्छे से दे रखा है, तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर पाएंगे और कॉपरेट भी कर पाएंगे। जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक है, और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो इनके बीच में जब कॉम्पिटिशन होगी और इनके बीच में जब कॉपरेशन होगा तब क्या होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनमें भी कई नई चीज़ें उभर के आएंगी, कई सुधार उसमें भी होंगे इनको देखते हुए जब ये इस तरीके से कंटेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट है रीप्रायोरिटाइजिंग काउंटर टेररिज्म इन ब्रिक्स एजेंडा। यानी कि काउंटर टेररिज्म
टेररिज्म के लिए हमें इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, फिर इसको कॉमन थ्रेट माना है, ब्रिक्स कंट्रीज ने इसको कॉमन थ्रेट माना है सभी के लिए, तो इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है और इसके लिए जो भी एक्शंस लिए जा सकते हैं वो उन एक्शंस को लिए जाने चाहिए। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन एक दूसरे के बीच में जो फाइनेंशियल सेक्टर में कॉपरेशन हो सकता है ना, सो एंड वी असर्टिव इन नॉर्म सेटिंग दैट लेड्स टू फाइनेंशियल फ्लोस ईयर मार्क फॉर सेपरेट नीड्स सच एज क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, इनके लिए भी एक दूसरे के बीच में सहयोग करने की जरूरत है। सो द ब्रिक्स मस्ट सपोर्ट पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनमें जहाँ तक ये ब्रिक्स कंट्रीज सहयोग उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि कोरोना के बाद उनकी इकोनॉमीज भी डेवलप कर सके तो वो उनको करना चाहिए। अब हम आगे कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, उनकी तरफ चलते हैं आगे क्या इसमें कॉन्क्रीट प्रोग्रेस ब्रिक्स में की गई है। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स, पहला इसमें NDB बनाया गया और दूसरा इसमें जो CRA है उसको बनाया गया, उसको स्थापित किया गया। तो इसके लिए उन्होंने कितना 2014 में ये किया गया था ये दोनों, सो कौन सा फर्टिलाइजर समिट हुई थी ब्राज़ील में वहाँ पे, ठीक है, 6 समिट थी ये, यहाँ पे 100 बिलियन US डॉलर जो पैसा था उतना लगाया गया, इससे ये दोनों बनके निकले थे। तो NDB है उसका हेडक्वार्टर संघाई में है, संघाई आपको पता होगा चाइना में है। इसका काम क्या है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करते हैं किसके लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए ये करते हैं इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स को लाते हैं और वहाँ पर जितना सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए काम करते हैं। द CRA इंटेंड्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी थ्रू करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इंडियन करेंसी है और चाइनीज करेंसी है, तो इंडिया ने अगर उसके साथ मान लो स्वैप कर लिया तो इसमें क्या होता है कि उसी करेंसी के हिसाब से, जैसे इंडियन रुपी में वो स्वैप हुआ है तो एक दूसरे के साथ वो जो ट्रेड करेंगे वो इंडियन रुपी में ही करेंगे, जिससे डॉलर बीच में नहीं आएगा, तो वो करेंसी स्वैप्स होते हैं। तो करेंसी स्वैप्स को जब बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ की जो पर्टिकुलर करेंसी है वो अच्छी स्थिति में निकल के आती है। सो रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी भी तरीका इन कंट्रीज में होता है इमर्जिंग कंट्रीज में, तो ब्रिक्स उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, यही काम है इसका कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स का। तो ये जो CRA बनाया गया ये इसीलिए बनाया गया है। आफ्टर दैट है IMF रिफॉर्म्स। तो इन्होंने क्या किया है कि IMF में जो रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए उसके लिए भी दबाव डाला था, तो जिसकी वजह से इसमें कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, उनमें से एक 2010 में रिफॉर्म हुआ था वो बता रखा है, 2010 का प्रपोज्ड ऑन कोटा एंड गवर्नेंस। सिक्वेंटली द कोटा ऑफ द IMF वाज डबल्ड, यानी कि IMF का जो कोटा था इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उसको डबल करके 6% कर दिया गया। सो द बोर्ड्स ऑफ चाइना, रसिया, ब्राज़ील एंड इंडिया वाज इंक्रीज्ड, इनके वोटिंग को भी इंक्रीज कर दिया गया और इन सबका वोटिंग कितना हो गया 14.18% वोटिंग हो गया। पहले क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका ही वोटिंग ज्यादा था, लेकिन अब ये काफी इनका भी पर्याप्त हो गया। उसके बाद है इंक्रीज्ड ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। तो ब्रिक्स ने काफ़ी हद तक काम किया है जिससे कि ट्रेड और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि इंट्रा ब्रिक्स जो ट्रेड है वो 922% बढ़ा है 2002 से 2012 के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ WTO के स्टैटिक्स के हिसाब से ये चीज़ बताई गई है कि 2001 से 2011 के बीच में भी ब्रिक्स की जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है ब्रिक्स कंट्रीज़ का वो भी डबल से भी ज़्यादा, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इसका काम रहा है। फ्रॉम US डॉलर कितना 27 बिलियन टू अब कितना हो गया 276 बिलियन डॉलर, तो इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड आफ्टर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइड रेंज्ड मल्टी लेवल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स। ब्रिक्स फोकस हैज एक्सपांडेड फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंक्लूड अदर इशूज एंड कॉपरेशन, सो इट हैज़ फॉर्म्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन मैकेनिज्म थ्रू द लीडर्स समिट, है ना, लीडर्स की समिट हुई है, यानी कि कम्युनिकेशन जो एक दूसरे के बीच में है उसको बढ़ाएगा, बस इतना सा मतलब है। जो उनके डेलीगेट्स हैं हाई लेवल उनके बीच में मीटिंग होनी है, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में, उनकी मीटिंग को भी कम्युनिकेशन के थ्रू यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बढ़ावा दिया गया है। तो ये सब हमने पूरा इसके बारे में अभी डिस्कस किया। अब आफ्टर दैट हम कुछ इंडिया इन ब्रिक्स, इंडिया की क्या पोजीशन है ब्रिक्स में वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है इंडिया इन ब्रिक्स। सो इंडियाज नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू ब्रिक्स इज प्रपोजल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट। तो इंडिया ने ही न्यू डेवलपमेंट का प्रपोजल रखा था जिसको 2012 में इंडिया ने इसका प्रपोजल रखा था, और आपने अभी देखा कि 2014 में ये बन के आता है। सो विच वॉज पुट ऑन द ब्रिक्स एजेंडा बाई इंडिया इन 2012 यानी कि 2012। इंडिया ऑल्सो एडेड द अर्बनाइजेशन फोरम टू ब्रिक्स कॉपरेशन मैकेनिज्म्स टू ब्रिंग ग्रेटर फोकस ऑन इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस इन टैकलिंग चैलेंजेस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन फेस्ड बाई ऑल ब्रिक्स मेंबर्स। यानी किस तरीके से अर्बनाइजेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जब काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी एक दूसरे के सहयोग करने की जरूरत है, जहाँ पर भी हो सकता है चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कैसे किया जाए। इंडिया ने इसके लिए और क्या किया है, इंडिया ने जो ब्रिक्स की एकेडमिक फोरम मीटिंग होती है उसको भी इंडिया ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत रूप दिया है इसको, और प्रिपरेटरी मीटिंग्स फिटिंग
इन द समिट एजेंडा बाई होस्टिंग द फर्स्ट सच मीटिंग इन 2009, यानी कि ऐसी मीटिंग सबसे पहले 2009 में इंडिया ने की। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से आप हमें मोटिवेट करेंगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।